हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स अध्याय फर्स्ट के प्रश्नावली 1.3 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.3 को हल करने से पहले कुछ जो विशेष बातें हैं जिनको हमको जान लेना बहुत ज़रूरी है, पहले उन पर हम चर्चा करते हैं। शांत दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो हम देखें कि कुछ ऐसे दशमलव प्रसार हैं जिनमें जब हम हर से उसके अंश में भाग करते हैं तो कुछ चरण चलने के बाद उसका जो हर होता है अंश को पूरी तरह से विभाजित कर देता है, अर्थात शेषफल शून्य हो जाता है। जब शेषफल शून्य हो जाता है तब उसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। लेकिन अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार में क्या होता है, जब हम हर से अंश में भाग देते रहते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो बार बार रिपीट होता रहता है और वह भागफल कभी ख़त्म नहीं होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। साथियों, इस प्रकार के दोनों दशमलव प्रसार जो होते हैं वे बटे के रूप में लिखे जा सकते हैं, अर्थात उनका कभी न कभी अंत हो या ना हो, लेकिन ये सभी दोनों क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जिनका शांत दशमलव प्रसार होगा और जिनका अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, वे सभी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। चलिए हम शांत दशमलव प्रसार का पहला उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा है 7/8। अब आप इस 8 से 7 में भाग दीजिए। जब हम 7 में भाग देंगे तो ये आएगा, यहाँ पर 7 में तो 8 से भाग जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे और 10 यहाँ ले आएंगे। अब इसका टेबल पढ़ेंगे 8 का, किसमें, 70 में, 8 × 9 = 72। आप जानते हैं कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही रहना चाहिए, तो हम ले जाएंगे 8 × 8 = 64। तो ये 64 जाएगा, जब घटेगा तो इधर गया 10 में से 4 गया 6 और ये तो कट गया। चूँकि हम एक बार दशमलव लगा चुके हैं इसलिए हम 10 बढ़ाने की स्वतंत्रता रखते हैं। फिर करेंगे 8 × 7 = 56, तो आ गया 56। फिर घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, एक कट गया। फिर पॉइंट लगाए हैं, यहाँ पर दशमलव लगा चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार और 0 बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद हो जाएगा 8×5 = 40। हम देख रहे हैं कि इसका जो रिमाइंडर है वो ख़त्म हो गया, मतलब शेषफल शून्य आ चुका है। तो भाग देते देते जब हम 8 से 7 में भाग करेंगे तो यहाँ पर मिल चुका है 7/8 = मिल गया है 0.875। ये जो मिला है तो यह कहलाता है शांत दशमलव प्रसार और यह क्या है, परिमेय है, यह परिमेय है। अगला अगर हम देखें अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार के लिए, तो हम 1 में 3 से भाग करते हैं। जब आप 3 से भाग करेंगे 1 में तो वही काम, 1 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, हम यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे और जब दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। 3 × 3 = 9 करेंगे, जब घटाएंगे तो शेषफल 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 0 तो है ही। अब फिर ये दशमलव हम बढ़ा चुके हैं तो हम एक बार 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 × 3 = 9, यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी और हम आगे ऐसे लिखते चले जाएंगे। इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा और यही जो टर्म है 333 बार बार बढ़ता हुआ चला जाएगा, मतलब यह कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के प्रसार को कहते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अगला हम देखेंगे अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनवसानी तीसरा है, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है, जैसे हम अंडर रूट 2 की वैल्यू लें तो 1.414, हम अब तक इतना ही जानते हैं कि हम 3 अंकों तक ही लेते हैं, लेकिन इसके आगे यदि हम देखना चाहें तो ये हो जाएगा
2 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 5 4 8 8 0 1 6 8 8 7। कहने का मतलब है कि इस तरह से लगातार अलग अलग प्रकार की संख्याएं आती चली जाएंगी और ना तो इसके कभी भाग का मान का अंत होगा और ना कभी इन संख्याओं का कोई रिपीटिशन होगा, ना तो रिपीट ही करेंगी और ना तो ख़त्म ही होंगी। जब ख़त्म नहीं होंगी मतलब कि इनका भाग जब कभी ख़त्म नहीं होगा तो उसे कहेंगे अनवसानी, और जब कोई रिपीट नहीं करेगा तब उसे कहेंगे अनावर्ती। जैसे जब ख़त्म हो गया शेषफल जीरो आ गया तो शांत, ख़त्म नहीं हुआ तो अनवसानी। रिपीट कर रहा है जैसे 3-3 रिपीट कर रहा है तो आवर्ती, रिपीट ही नहीं कर रहा है तो उसे कहेंगे अनावर्ती। ये दोनों होते हैं परिमेय और ये तीसरा होता है अपरिमेय। प्रश्नावली 1.3 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि उसका प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अनवसानी आवर्ती है या अनवसानी अनावर्ती है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट। पहले क्वेश्चन का जो हमारा पहला भाग है वो है 36/100। तो हमें क्या करना है, हमें भाग करना है। हम 36 में 100 का भाग करेंगे और देखेंगे कि यह क्या है, शांत है, अनवसानी आवर्ती है, अनवसानी अनावर्ती। यहाँ पर है 36 और 36 में भाग करेंगे 100 का। जब 100 से हम भाग करेंगे तो 36 कम है और 100 ज़्यादा है, तो इसलिए पहले हम यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे। दशमलव बढ़ा लेंगे तो एक बार यहाँ पर जीरो बढ़ाने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। और 100 3 300, जब ये हो गया है 300 तो घटा लेंगे, ये आ गया 60। एक बार दशमलव बढ़ा चुके हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार जीरो बढ़ा लेंगे। फिर 100 6 अब ये हो गया हमारा 600 और ये सब कट गया। आंसर कितना आया है, 0.36। चूँकि हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि 36/100 = 0.36। यहाँ पर शेषफल जीरो आ गया है, पूरा पूरा कट चुका है और रिपीट नहीं किया है, तो यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा भाग हम देखेंगे, लिखा गया है 1/11। क्या लिखा गया है, 1/11। अब 11 से हम 1 में भाग करेंगे। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, जब आप दशमलव लगा देंगे तो एक बार जीरो बढ़ाएंगे, चूँकि यह अभी 10 है और 10 में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो एक बार जीरो यहाँ और बढ़ाएंगे तब यहाँ पर जीरो हम बढ़ाएंगे। अब 11 9 99। अब जब 100 में से घटाएंगे तो फिर आ जाएगा 1, बाकी तो 0 है 1। फिर यहाँ पर एक बार जीरो तो बढ़ा लेंगे हम अपने आप, लेकिन दोबारा जीरो बढ़ाने के लिए फिर हम बढ़ाएंगे, फिर 11 9 99, फिर आएगा 1। कहने का मतलब है अब 0 9 0 9 0 9 बार बार ऐसे रिपीट होता रहेगा और यहाँ पर मिल जाएगा हमको, चूँकि 1/11 = 0.09 0909 0909 & so on up to infinite, ऐसे कर लेंगे 09 का बार। 09 के बार लगाने का मतलब होता है कि यह हमारा जो 09 है यह बार 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 रिपीट हो रहा है। तो यह कैसा है, यह शांत है, नहीं, यह अनवसानी और आवर्ती है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका प्रसार कैसा है, अनवसानी आवर्ती और दशमलव प्रसार, ये हो गया। अब अभी स्पेस है हमारे पास तो हम एक और लिख लेते हैं। भाग 3 को हम देखते हैं तो है 4 1/8। लिखा गया है 4 1/8। जब इसको हम मिश्र भिन्न से सामान्य भिन्न में बदलेंगे तो 8 4 32 1 33/8। अब 8 से हम भाग करेंगे 33 में,
जब भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 8 चौक 32, घटा लेंगे तो आ गया 1, दशमलव लगाएंगे आ जाएगा 0, जब 0 आ जाएगा 8 1 8, घटाएंगे आ जाएगा 2, फिर दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा लेंगे, 8 2 16, घटाएंगे आ जाएगा 4, फिर दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेंगे, 8 5 40, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप कहेंगे चूंकि 33/8 = 4.125, इसलिए 4 = 1/8 7.75 है। बस 7.75 है। बस जो क्वेश्चन 1 का भाग 4 हम देखेंगे तो उसमें लिखा गया है 3/13, इसका मतलब है कि 13 से हमको 3 में भाग करना है, 3 में 13 का भाग तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे, 13 2 26, और जब हम 26 करेंगे घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4, ये हो गया 0, चूँकि हम दशमलव लगा चुके हैं इसलिए एक बार 0 और बढ़ा लेंगे, 13 3 39, और फिर ये घटाएंगे तो आ जाएगा 1, ये आ गया 0, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेंगे, चूँकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी 10 में 13 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 0 लगा लेंगे, एक बार 0 हम लगाए हैं तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तब जाकर 0 लगाएंगे। अब 13 7 91, ये आ गया, घटाएंगे तो आ जाएगा 9, तो आ गया 9, दशमलव लगा ही है, एक बार और 0 बढ़ाएंगे, अब ये आ जाएगा 13 6 78, 13 7 91, तो ठीक है हम 6 बार ही ले जाते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 78, और घटाएंगे तो ये आ गया 2, और यहाँ पे 12, फिर 0 बढ़ाएंगे और आगे लेकर जाएंगे 13 9 117, फिर घटाएंगे तो ये आ गया 3, आगे बढ़ेंगे तो 0। अब आप देख रहे हैं फिर से वही 30 आ गया है जो ऊपर लिखा है, फिर वही 30 आ गया है जो ऊपर लिखा है, मतलब कि यही फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, जब यही फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा मतलब 2 3 7 2 3 0 7 6 9, तो इसी के ऊपर हम बाल लगा लेंगे आगे, तो इसके बराबर आ जाएगा, ऐसे कर लीजिए, इस पर बार लगा दीजिए और लिखिए चूंकि 3/13 = आया है 0.23076 9, और इसी का बार है, तो ये क्या है, अनवसानी आवर्ती है। पांचवा जो लिखा गया है 2/11, अब 11 से भाग करेंगे आप 2 में, दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 11 1 11, एक बार ले जाएंगे आ गया 9, और यहाँ पर दशमलव लगा इसलिए 0 बढ़ा लेंगे, 11 8 88, फिर आ गया 2, 0 बढ़ाएंगे, फिर एक बार ले जाएंगे आ गया 11, घटाएंगे फिर आ गया है यहाँ पर 9, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, और इसके बाद फिर आएगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, मतलब 1 8 1 8 1 8, ऐसे बार बार रिपीट होता रहेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 2/11 = 0.18, इसका बार है, तो ये कैसा है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, और 1 8 1 8 1 8 ये बार बार रिपीट होता रहेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, अनवसानी आवर्ती, तो ये कैसा प्रसार है, अनवसानी आवर्ती प्रसार है, ये हो गया। इसका जो छठवां भाग है 329/400, छठवां भाग 329/400, चलिए हम इसको यहीं लिख लेते हैं, अब 329 बटे 400, जब हम इसको लिखेंगे मतलब 400 से भाग देना है हमको 329 में, दशमलव लगा लेंगे 0 बढ़ा लेंगे, अब यहाँ पर भाग देंगे 8 बार,
आठ बार जब ले जाएंगे तो 800 8 0 0 8 4 32 और घटाएंगे तो आ गया 90 और ये हो गया कट गया। अब चूँकि 400 का भाग इसमें 900 में जाएगा नहीं, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाएंगे 4 × 2 = 800। अब ये हो गया 400 × 2 = 800, घटा लेंगे आ गया 100, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, अब दो बार ही जाएगा, फिर ले जाएंगे दो बार, फिर आएगा 800, घटा लेंगे तो आ जाएगा 200, फिर जीरो बढ़ाएंगे, अब 4 × 5 = 20। और ये पांच बार ले जाएंगे और ये हो गया जीरो और 5 × 4 = 20। कहने का मतलब है ये रिमाइंडर इसका हो गया जीरो। चूँकि शेषफल शून्य है इसलिए चुपचाप हम कह देंगे यह कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो कहेंगे चूँकि 3/2 329/400 = 0.8225 इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन नंबर दो में लिखा गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, मतलब दिया गया है, अब क्या दिया गया है, दिया गया 1/7 = 0.04285 और इसका बार 1/7 दिया गया है 0.142857। तो कह रहे हैं लंबा भाग दिए बिना आप बताइए कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का मान क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ तो कैसे है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/7। अब 2/7 लिखेंगे तो 2/7 को लिखा जा सकता है 2×1/7। जब 2×1/7 हो जाएगा तो यहीं पर हम 2 से गुणा करेंगे 0.142857। अब इसका बार गुणा करिए, 2 × 7 = 14 2 × 5 = 10 11 2 × 8 = 16 1 17 2 × 2 = 4 1 5 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2। तो इसका मान आ गया इतना, मतलब 2/7 का मान आ गया है इतना। अब 3/7 का मान 3×1/7। अब यहाँ पर जब 3 से गुणा करेंगे 0.142857 का बार जो इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 × 7 = 21 3 × 5 = 24 24 + 1 = 25 3 × 2 = 6 6 × 2 = 8 3 × 4 = 12 3 × 3 = 1 ये हो गया 4 और इस पर हम बार लगा लेंगे। फिर चलिए 4/7 को लिख लीजिए इसी वक्त, जब 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4×1/7 और ये आएगा 4×0.142857 और इसमें जब 4 का आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 7 28 4 × 5 = 20 2 22 4 × 2 = 8 8 × 3 = 11 4 × 6 = 16 16 × 1 = 17 4 × 4 = 5 ये हो गया 0.57142 8। एक इसका मान है, ये है मान 4.7 का, तो 2.7 का इतना, 3.7 का इतना और 4, मतलब कि 2/7 का इतना, 3/7 का इतना, 4/7 का इतना, और हमको ज्ञात करना है 5/7 और 6/7 का। तो आगे देखेंगे 5/7, इसका मतलब होगा 5×1/7, मतलब 5×0.142857। अब इसमें गुणा करेंगे 5 का, 5 × 7 = 35 5 × 5 = 25 3 × 2 = 28 5 × 8 = 40 2 = 42 4 × 2 = 8 = 4 12 4 × 4 = 16 1 =
17, 4 × 4 = 5, 0.57285, 21 का मान आया है 5/7 का। अब 6/7 को देखेंगे, 6 × 1/7 ये होगा 6 × 0.142857। अब ये है, जब आगे बढ़ेंगे तो 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30, 4 × 34 = 4, 6 × 8 = 48, 3 = 51, 6 × 2 = 12, 5 = 17 और 17 हाँ सर यहाँ पर 1 है, 4 × 4 = 16, 1 = 17, 6 × 6 = 2, 6 × 5 = 35, 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 34, 6 × 8 = 36, 6 × 4 = 25, 6 × 2 = 6, 5 × 7 = 25, 6 × 4 = 6, 5 × 4 = 6, 25 6 × 6 = 8, इतना आ गया है 8, 5, 7, 1, 2 = 4, 2। तो ये सब जो हैं वो कैसे हैं, ये कह रहे हैं दशमलव प्रसार क्या है, तो इनका दशमलव प्रसार ए है, इतना है। और यदि हाँ तो कैसे, तो हमने क्या कर दिया, इनका प्रसार जो है वो है अनवसानी आवर्ति, सबका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ति है। और क्यों और कैसे है, तो हमने यहाँ पर प्रमाणित कर दिया कि ऐसे है।